नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ. सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड जय श्री कृष्ण. सो लास्ट वीक आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि क्या टॉपिक सिलेक्ट किया जाए. देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू चूज विद अ कॉमेडी समथिंग. बट कॉमेडियन तो हर कोई है, हर किसी के अंदर एक कॉमेडी है. देन आई वाज गोइंग थ्रू द जोमैटो का मेन्यू कार्ड. तो उसमें क्या होता है ना कि कॉम्बो वाले जल्दी बिकते हैं. अगर आप कोई कॉम्बो दे दो क्वालिटी के साथ दे दो तो वो थोड़ा सा जल्दी फास्ट फॉरवर्डिंग होता है. आई वॉज ट्राइंग समथिंग टू डू दैट. ओके समथिंग कॉम्बो फॉर एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम लाइक आई एम ट्राइंग समथिंग एक्सपेरिमेंट एंड नॉट एक्सपेरिमेंट बट आई एम गोइंग टू से माई हार्ट एक्चुअली आई एम गोइंग टू से समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो से आफ्टर कम्प्लीटिंग इज 5 मिनट्स यू शुड गो टू होम एंड से अ वंडरफुल थैंक यू to your sister actually. Raksha Bandhan aane wala hai. Is bhag dod ki zindagi mein bhagte hue sabka pyar batorte hue kya kabhi humne ek chota sa pause leke ek apni behan ko thank you bola hai. Wo behan jo aapki sabse pehle mitra rahi hai, aapki dost rahi hai bachpan se. And I will tell you that why I chose this topic actually. My sister is actually of 4 years elder to me. And अगर उसके 90, 100 में से 90 नंबर आते थे तो मेरे 10 out of 100 आते थे. इतना गैप था हमारे बीच में. तो I used to actually sit with her actually in the school. तो मेरे जो टीचर्स होते थे मेरी शिकायतें मेरी बहनों से करते थे और मेरी बहन घर पे जाके उसको आराम से नमक मिर्च लगा के पेरेंट्स को बताती थी. क्या कभी आपने उस बहन को थैंक यू बोला है? मैंने तो नहीं बोला. But the time passes away actually and gradually I realize the importance of sister in my life actually. And after passing the 10th, जब आपको commerce, science, art में choose करना होता था and your sister actually guides you कि कौन सा subject अच्छा होता है, तो क्या आपने उस समय उस बहन को thank you बोला है? I got good numbers actually in 10th standard. I got 90 plus numbers at that time. Although मैं 3rd standard में fail हुआ था and I gave twice the 3rd standard. But in the 10th standard, I got actually 90%. मेरी बहन ने मुझसे बोला था, भाई तू नंबर भरपूर लाया है बट कॉमर्स तेरे पे फिट होगा. भरोसा था उसे उसके भाई पे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा. क्या उस भरोसे के लिए आपने उसको कभी धन्यवाद किया है? पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जैसे वो आपके बैग से कैंडीज चुराती थी एंड कैंडीज कैन बी इन एनी फॉर्म बट जैक स्पैरो के जैसे हर समस्याओं का समाधान उसके पास होता था. जब आपको रात में भूख लगती है और वो आपको मैगी में ढेर सारा पानी मिला के देती है तो क्या आपने उस समय उसको धन्यवाद किया है? जब आपकी गर्लफ्रेंड आपका दिल तोड़ के चली गई और आपने अपना कंधा अपनी बहन के ऊपर रखा तो आपकी बहन ने आपसे बोला कि वो तेरे लायक ही नहीं थी, क्या आपने उस समय उसको थैंक यू बोला है? इस भगवान ने बनाए हैं कई सारे अवतार और माँ का अवतार साक्षात सबसे बड़ा माना जाता है. मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन बहन का अवतार उससे कम भी नहीं है. ये रिश्ता अनमोल है, माँ बाप से भी बढ़कर फेविकोल का जोड़ है. शादी के समय उस विदाई के समय उसको देखा गया है रोते हुए माँ बाप के कंधों पे, बहन के कंधे पे भी वो रोई थी बट जाते वक्त बोल के गई थी भाई ख्याल रखना. अक्सर उसको देखा गया है अपने बच्चों को कहते हुए कि मेरे बच्चों आप बनना अपने मामा जैसा. भरोसा था उसे अपने भाई. क्या इस भरोसे के लिए हमने उसको कभी थैंक यू बोला है? कुमार विश्वास जी की एक लाइन है, उसमें वो कहते हैं कि है हे बहन है नमन तुमको तेरे सामने बौना हिमालय. और मैं जैसे 3rd स्टैंडर्ड में फेल हुआ तो आई कैन यूज द चिट कोड ऑल्सो फॉर सेइंग सम फ्यू लाइंस फॉर यू. I actually wrote in the morning.
वो एक दोस्त है बहन, तेरी दोस्ती अनमोल है, साथ तेरे बिताए पल है प्यारे, तू है मेरी सहेली मेरा सफर, हर मुसीबत में है तू मेरा हमसफर. एंड लेट्स चीयर फॉर दैट गर्ल एंड से एक्चुअली थैंक यू इन द नाइट. थैंक यू सो मच.